भोले बाबा पार करेगा, जटे बाबा पार करेगा। इसी के साथ मैं कार्तिक आपका एक नया ब्लॉग में आपके लेके जा रहा हूँ। उड़ीसा में एक सुंदर सा प्लेस है, इसका नाम है पंचलिंगेश्वर, जो कि बालासोर रेलवे स्टेशन, उड़ीसा में एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट है। रेलवे स्टेशन से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर होगा, तो वहीं पर वो पड़ता है। आप इसको आसान से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हमेशा जितना भी सावन का महीना में जितना भी सोमवार होता है बहुत भीड़ होता है, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और बम बम बोल बम गाना गा के बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए आपको मैं ऐसे बताना जा रहा हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। पहले आप अगर आप कोलकाता से है तो आप हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ के आके बालासोर रेलवे स्टेशन में उतर जाना। वहाँ से आपको बिल्कुल आसान से टेम्पो मिल जाएगी, तो वो आपको 200-150 रुपये से मिल जाएगा। मैं लोकेशन दे रखा हूँ वीडियो का, पहले लोकेशन दे रखा हूँ, उसको आप देख लेना। तो लोकेशन में आप आके यहाँ पर आपको पहुँच जाइएगा, ठीक है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत दूर दूरांत से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का महिमा, भगवान महाप्रभु शिव का जो महिमा है बहुत अत्यंत बहुत प्रभावशाली है। लोग दो दिन तो तीन दिन से पहले यहाँ पर आके पहुँच जाते हैं। मैं आपको जिस लोकेशन पर ले जा रहा हूँ, ये पंचलिंगेश्वर है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में नीलगिर इलाका में ये पड़ता है। आप ये वीडियो के सहारे आप सब चीज़ पता हो जाएगा। देखिए मैं अभी एंट्रेंस पहले आप देख रखे हैं कि एंट्रेंस मैंने मतलब घुस के आ रहा हूँ। मैं बाइक लेके गया था वहाँ, बाइक लेके तो यहाँ ये शूटिंग जो हो रहा है वो बाइक के ऊपर ही हो रहा है। देखिए मैं आके आधा से मतलब जहाँ पर फ्रंट गेट है, जो आपका जो नीलगिरी के जो दक्षिण ओर के जो रास्ता है, इसमें फ्रंट गेट पड़ता है, वहाँ से पंचलिंगेश्वर को 5 किलोमीटर रास्ता होगा, ठीक है जी। तो वहाँ से आएंगे तो पैदल से आ सकते हैं, अगर कोई नज़दीक होगा तो बाइक से भी आ सकते हैं। होटल भी वहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे होटल मैं दिखा रहा हूँ, लोकेशन दिखा रहा हूँ, जो होटल है आपके लिए कोई परेशान की बात नहीं। पहले भी आप इंटरनेट में सर्च करके यहाँ पर होटल भी बुक करवा सकते हैं। रहने के लिए बहुत सुंदर जगह है, लोकेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ का जो मतलब वेदर कंडीशन इज वेरी बहुत बढ़िया, बेस्ट वेदर कंडीशन है। आप गाड़ी पार्किंग कराने के लिए यहाँ कर, देखिए गाड़ी पार्किंग करने की जगह बहुत बहुत बड़ा जगह है, आप बड़ा गाड़ी लेके भी आ सकते हैं, जैसे कार वगैरह बोलेरो वगैरह लेके आ सकते हैं, बाइक भी लेके आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी यहाँ पर आके पहुँच सकते हैं। देखिए मैंने आज यहाँ पर गया था, ठीक है, तो ये देख रहे हैं जो कांवरिया भक्तों जो है वो कितना भीड़ में आए हैं। मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पर आके पहुँचा हूँ, ये मतलब भगवान शिव का जो पंचलिंगेश्वर है, वहाँ पर 5 लिंग है, वहाँ पर झरना का जो पानी है वहाँ इनका सर पर ही गिरता है, महाप्रभु का सर पर ही गिरती है। तो वहाँ आप देखेंगे, मैं अभी आधे रास्ता पर हूँ, ठीक है जी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ पूरे। देखिए ये जो हम जा रहे हैं, ये दो साइड में जो दिखा रहा है इसका सुंदर नज़ारा परिवेश दिख रहा है, तो पहाड़ी पहाड़ है, ये जो हिल्स है ये हिल स्टेशन है, पंचलिंगेश्वर हिल स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होता है, बरसात में तो बरसात अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बरसात हो रहा है, भक्तों जो भीग भीग के भी पानी डालते हैं। देखिए बहुत दूर दूर से अभी हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं कि सुबह 7 बजे, ठीक है जी। तो भक्तों उससे पहले रात में जो भक्त आए थे वो अभी वापस लौट रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना भीड़ मात्रा में वो लौट रहे हैं, ठीक है। जो पास इलाका में रहते हैं वो लोग तो अभी पैदल से आए हैं, वो जो दूर में आए हैं वो बोलेरो लेकर आए थे, कोई बाइक लेकर आ रहा होगा तो उधर स्टैंड है, स्टैंड पर रखा होगा, ठीक है जी। तो वो स्टैंड में अपना बाइक लेके वो फिर चला जाएंगे। देखिए पंचलिंगेश्वर ऐसा एक जगह है, वहाँ पर लोकेशन बहुत बढ़िया लोकेशन है, वहाँ पर आप सब कुछ मिल जाएगा, दुकान वगैरह से लेके होटल से लेके इन से लेके
बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं अभी जहाँ पर बाइक स्टैंड है ना, वहीं स्टैंड पर मैंने अभी बाइक रख दिया। रखने के बाद मैं अभी देख रहा हूँ ऊपर जाऊँगा। ठीक है, अभी ऊंचाई में चलना शुरू हो जाएगा। अभी वक्त ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर। ठीक है जी, छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पर आते हैं और अपना मनोकामना, अपना जो मानसिक व्रत रखते हैं कि सावन का महीने में हमने भोले बाबा का सर पर पानी डालेंगे तो हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो वही भावना से भक्तों आते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो बाइक स्टैंड है, बोलेरो स्टैंड है, वहाँ पे आके आ चुका हूँ। थोड़ा दूर आया हूँ तो इधर जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे वहाँ मतलब भाड़ा बना हुआ है कि आप कांवरिया जो रात में रुकने वाली है उसी पर वो लटका दें, क्योंकि बाहर तो नीचे नहीं रखा जाएगा। इसके बाद में अभी मार्केट का अंदर घुसा। देखिए, दोनों ओर बहुत सारी दुकान है। ठीक है, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको दुकान दिखाऊँगा। ठीक है, मैं अभी आगे आगे चल रहा हूँ, मैं आपको दुकान दिखाऊँगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो सीढ़ी है 356 स्टेप्स है जाने के लिए, इससे पहले का नज़ारा ये है। ठीक है, कितना भीड़ है, मैं भी भीड़ का बिल्कुल भीतर ही हूँ। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल यहीं उधर ही कैमरा पकड़ के रखा हूँ, तो भक्त आ रहे हैं फिर उधर भी जा रहे हैं। ठीक है, नंगे पैर में आते हैं वो, नंगे पैर, किसी के पैर में भी चप्पल या जूता नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम आगे, ये दोनों साइड का जो दुकान का नजरा है ना, मैं इसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ये है आपका गेट, पंचुलेश्वर बाबा का गेट है। मैंने गेट पार कर लिया, गेट पार करने के वो बिल्कुल जो पक्का का रास्ता है। देखिए, मैं गेट का पीछे था, मतलब सामने था, अभी पीछे हो गया। ठीक है, देख रहे हैं वो जो बम का भाड़ा बना हुआ है, क्योंकि लाइन करवाने के लिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, वो पुलिस भी अपना ड्यूटी पर है, तो क्या कुछ बदमाशी हो जाएगा, कोई बदमाशी काम कर देगा, तो इसके लिए पुलिस वहाँ पर बिल्कुल मौजूद रहते हैं। चलिए हम चलते हैं, मेरा लड़का आगे, मेरा जो लड़का है वो आगे जा रहा है, बैग लेने वाला बैग पकड़ के जा रहा है। ठीक है, मैं इसका पीछे हूँ। भक्त अभी तो आप राइट हैंड साइड में जो भक्त उतर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में उतर रहे हैं, वो अपना पानी वहाँ पर डाल चुके हैं, प्रसाद लेके बाबा के ऊपर प्रसाद चढ़ा के अभी वो आ रहे हैं। दोनों साइड पर जो हिल स्टेशन का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है, झरना भी है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ एक बात कि जब गर्मी या ग्रीष्म का समर सीजन होता है, ठीक है, समर सीजन होता है, तो यहाँ पर भी पानी झरना से गिरता है हमेशा 12 मंथ्स के लिए यहाँ पर पानी गिरता है, और 24 आवर कभी किसी दिन भी झरना का पानी बंद नहीं होता है, और झरना का पानी बिल्कुल साफ ही होता है। ठीक है, तो ये लोग बहुत दूर दूर से कोई नदियों में से पानी उठा के लाते हैं, तो वहीं भगवान के ऊपर से अभिषेक करके अपना मानसिक व्रत को पूरा करके जाते हैं। ठीक है, हमारे भोग प्रसाद मिल जाता है, रहने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या वहाँ पर मिलता है, सब कुछ पंथशाला है, इन है, होटल है, लॉज है, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। ओके, इफ यू आंट्स टू कम हियर विथ योर फैमिली, यू स्पेंड योर वेरी लग्जरियस लाइफ स्टाइल। So many peoples all over India are coming here, especially Bengal peoples are mostly coming here to entertainment and otherwise their religious purpose. Guys, देखिए जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ नज़ारा, वो इतना भीड़ है। This time ये कम से कम मेरे हिसाब से तो ये 50,000 से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये सुबह से 4:30 से लेके और शाम को 3:30 यहाँ पर इतने भीड़ रहेगा। यहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए अपना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, वो ये लोग पानी डाल चुके हैं। ठीक है जी, हम बैठ के थोड़ा मतलब अपना थकत हुआ है वो मिटा रहे हैं, और झरने का पानी आप देख रहे होंगे।
ये जो झरने का पानी यहाँ पर है, ये कहाँ से आया है, कहाँ से निकला हुआ है, अभी तक कोई नहीं बता पाया। और कितना लंबा है, वो मिट्टी का अंदर ही आता है, फिर कहीं कहीं पहाड़ के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो आके जो वहाँ पर भोले बाबा है, पंचलिंगेश्वर बाबा है, इनका सर पर पड़ा हुआ है, पाँच लिंग है वहाँ पर, एक ही लिंग नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा, मैं अभी बिल्कुल नज़दीक हूँ, बाबा का नज़दीक आ गया। मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पर 356 स्टेप्स हैं और बहुत तीखा है स्टेप्स, इतना फ्लैटिंग नहीं है, तो ये तीखा है। जो मतलब बुजुर्ग लोग होंगे इनका चढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और यहाँ पर कोई आपको उठा के जैसे दूसरे जगह पर ऊपर ले जाते हैं ऐसे, और कोई जगह पर यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेंगे, ऐसे सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप कोई बुजुर्ग ऐसे 75 इयर्स से लेके 80 इयर्स तक जो बूढ़े मतलब होंगे, ओल्ड में ओल्ड एज पर्सन होंगे, तो आप लाएंगे तो ऊपर नहीं ला पाएंगे, नीचे आपका होटल में छोड़ के आपको ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर उठ नहीं पाएंगे ऊपर। ठीक है, तो हमने पूछे थे तो उनका जो बाबा वहाँ पर रहते हैं ना, पूछे थे यहाँ पर लोग इतना संख्या में क्यों आते हैं, तो वो बोलते हैं कि यह पंचलिंगेश्वर बाबा जो है सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, मानसिक के रखते हैं तो वो बिल्कुल पूरा कर देते हैं। हमने फ्रंट डोर में आके पहुँचे हैं, ये देखिए ये आपका माता है, प्रवेश माता। ठीक है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा देखा है, जब जब बाबा का पास जाएंगे, पंचलिंगेश्वर बाबा का पास जाएंगे तो यहाँ पे माथा लगाना पड़ेगा। तो हम आगे पहुँच गए बिल्कुल, और 200 मीटर दूर है बाबा का द्वार। आप देख रहे होंगे कितना तीखा स्टेप्स है, बहुत तीखा स्टेप्स है, बहुत सारे भक्त हैं। देख रहे होंगे, मैं कह रहा ना 10,000 से 20,000 तक लोग यहाँ पर है भीड़ में, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं हिसाब तो नहीं लगाया, इसे अंदाज से बोल रहा हूँ, हो सकता है 50-60 हज़ार बंदे भी होंगे, लोग भी होंगे यहाँ पर। तो देखिए ये हम आ गए अभी, बिल्कुल मैं 200-250 मीटर दूर में हूँ बाबा का पास। ये जो पेड़ आपको दे रहा सामने, बड़ा वाला पेड़, तो उसी के पास में है झरना, झरना ऊपर से बाबा पंचलिंग जी का ऊपर होता है, तो वहीं पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और वहाँ पर भी जो ब्राह्मण पंडित लोग रहते हैं तो वो आपका प्रसाद चढ़ाने में बिल्कुल मदद करेंगे। आप आराम से आके यहाँ जा सकते हैं। और एक बात है ना, यहाँ पर कोई ऐसे मतलब चूसने वाला कोई जो रहते हैं पूजक, ऐसे नहीं है कि ज़्यादा पैसा आपको लगा देंगे, ऐसे नहीं है। ये सबसे बढ़िया धार्मिक स्थल है, यहाँ पर आप आके 2 दिन 5 दिन 10 दिन भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये है, नीलगिरी का एरिया है, इसी इलाके में पड़ता है। मैं आपको लोकेशन पहले दे रखा हूँ, इसका एरो का निशाना लगा दिया हूँ, आप देख के आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कोई परेशान नहीं है, आप गाड़ी लेके भी यहाँ आ सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल इसका नीचा फुट एरिया तक आ सकता है, वहाँ से आप पैदल आना पड़ेगा। मैं अभी आ गया हूँ, देखिए ये बिल्कुल जो भीड़ लगी हुई है, तो ये बाबा का बिल्कुल और 15 से 20 मीटर दूर पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं आप, वहीं पर भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं। जब भक्त यहाँ पर आ जाते हैं तो वो नहीं सोचते हैं कि लिंग कहाँ पर है, वो अपना मर्ज से जहाँ भी वहीं भी वो अपना कलश में पानी डाल के उधर माथा लगा के चले जाते हैं। देखिए कितना सारा पड़ा हुआ है मिट्टी का, जो कलश है मटकी मटका, छोटे छोटे मटके हैं वो पड़े हुए हैं, वो आप जाएंगे मतलब, तो जो बुजुर्ग लोग हैं तो भीड़ में जा नहीं पाएंगे तो इधर ही करके चले जाते हैं, वो समझते हैं कि भगवान है तो जहाँ उनका जगह में जहाँ पर वह हाथ लगाओ सर लगाओ तो वो भगवान है। देखिएगा मैं बिल्कुल उधर ही पास में जाऊँगा जहाँ पर आपका पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, भोले बाबा का ऊपर जो पानी गिर रहा है, मैं इसको आपको बिल्कुल दर्शन कराऊंगा। ठीक है जी, तो आप दर्शन करके धन्य हो जाएंगे, आप प्रणाम करेंगे, जहाँ भी आप देख रहे हैं कृपया मुझे कमेंट कीजिएगा कि हम
ये वाला स्टेट में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा व्यूअर्स वहीं वहीं मतलब इनका एरिया में इनका एरिया पता चल जाएगा, ठीक है जी। कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा क्योंकि बढ़िया नज़र आ है। इसका अंदर जाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है क्योंकि भीड़ इतना है पूछो मत। वहाँ जाते वक्त तो मेरे को तो सांस भी रुक गया था, कैमरा लेके यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल बात है। हाँ और एक बात है, तो वहाँ जाने के लिए जैसे जब आप आएंगे सोमवार को आएंगे तो टिकट लेना पड़ेगा। टिकट बिल्कुल बहुत कम रेट है, 10 रुपया है, ठीक है। गाड़ी अगर आप रखते हैं, बाइक रखते हैं तो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा बोलेरो वगैरह रखते हैं 50 से 100 रुपया तक लगता है। यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं है आपका, होटल में भी ऐसे ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, बहुत रुपया लग जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल आसान है। हिल स्टेशन है, एंजॉय कर सकते हैं। ये मटके सारे देखिए, बहुत सारे मटके यहाँ पर पड़ा हुआ है। बहुत सारे भक्त तो यहाँ पर आके अपना मनोकामना अपना जो अभिषेक करवा के जा रहे हैं। शांति मिलेगा आपको, बहुत शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर जी, मैं बिल्कुल आ गया हूँ जहाँ पर पानी ऊपर से नीचे गिरता है, भोले बाबा जी का ऊपर। देख लीजिए वो पानी में, हाँ जी, तो वो पंडित लोग उसका फ्रंट में पूजा करते हैं। देखिए वो जो पुल का नीचे है ना, ऊपर पुल जैसा बनाया हुआ है कि बंद भक्त आने के लिए, वो पुल का नीचे उस तरफ थोड़ा राइट को, ठीक है, यहीं पर पानी है। और यहीं पर भी पानी लोग डाल देते हैं क्योंकि उसका पीछे जो है ना 5 फीट का नीचे भोले बाबा का 5 लिंग है, ठीक है। वो 5 लिंग जिसे भगवान का चार, भगवान शिव जी का 5 नामों का 5 लिंग है। जरासंध समय का टाइम पर ये पंचलिंगेश्वर यहाँ पर आविर्भाव होके भक्तों को रक्षा किया था, ठीक है। ऊपर से पानी गिर रहा है, कोई ऊपर भक्त पानी वहीं से भी गिरा देते हैं, भीड़ होता है तो आ नहीं पाते। ये पंडित जी देखिए पूजा कर रहे हैं, पानी डालने के बाद वहीं पर पूजा करते हैं। हर हर महादेव, जय भोले बाबा की जय। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसका मेरा जो नीचे है ना, मैं थोड़ा ऊपर खड़ा हूँ, नीचे है भोले बाबा, वहाँ पर मैं उस तरफ घूम के जाऊँगा। ये भाड़ा बांधा हुआ है यहाँ पर, मतलब अपना जो भार है लेके आते हैं वो है इनके रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पुलिस ऊपर रहते हैं, छोड़ते नहीं है, हम लोग को छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग ब्लॉक करते हैं और रिपोर्टर भी हुए हैं तो हमें छोड़ देते हैं, नहीं तो एक एक करके छोड़ते हैं, ठीक है जी। मैंने अभी ऊपर जाके फिर आऊँगा, राइट हैंड साइड को आऊँगा। ये ब्लैक कलर का पहन रखे वो ऊपर वाला पंडित जी है, नीचे वाला ही पंडित जी है। मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल एक एक करके दिखाऊंगा। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा वीडियो है, ठीक है। तो 30-32 मिनट का वीडियो है, आप देखते रहना। पीछे और सारा जो हिल स्टेशन का और नजारा है, पीछे जाऊंगा और वहाँ का जो तालाब, छोटा छोटा तालाब है, मैं इसको आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ है, गुफा भी दिखाऊंगा आपको, जैसे बाबा जी लोग रहते हैं वो गुफा मिट्टी का अंदर से लेके बहुत दूर तक गया है, उसको गवर्नमेंट बैन कर रखा है, सुरंग, ठीक है। तो सुरंग को बंद कर रखा है गवर्नमेंट, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा। बाकी सारा बाबा जी यहाँ पर बाबा जी रहते हैं और कौन सा छोटा छोटा मंदिर है उसको भी दिखाऊंगा, इनको साक्षात कराऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ है इसका, ठीक है। फिर मैंने आ गया मेन जगह पर, ठीक है। देखिए मैं जब घूम के कह रहा था राइट हैंड साइड पर जो ये मेन है, यहीं पर है 5 लिंग है, 5 लिंग है यहाँ पर। पानी ऊपर से झरना का पानी आके भोले बाबा का ऊपर गिरता है, यहीं पर बहुत भीड़ होता है। अभी थोड़ा कम है क्योंकि पुलिस वाला छोड़ता नहीं है ऊपर से नीचे को, जो आते हैं लाइन से आते हैं फिर लाइन लेके फिर चला जाते हैं, जो नहीं आ पाता है तो ऊपर वो पानी डाल देता है। मैंने
जैसे आपको बताया, आप देख रहे होंगे इतने बहुत कितने सारे लोग रोते हैं और आदमी लोग बच्चे लोग सब पूजा कर रहे हैं शिवलिंग का ऊपर, बेल पत्ते नारियल पानी डाल रहे हैं, अपना जो मटके लाए थे उसको भी डाल दिए हैं, ठीक है जी। सफ़ेद कपड़ा में ये बैठे हुए हैं, ये है हमारा पंचलिंगेश्वर जी का लिंग स्थापना। अंदर यहाँ पर लिंग नहीं है, लिंग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये सब जो खड़ा हो रहे हैं मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल जी, थोड़ा साइड देंगे भैया जी। हाँ जी अभी साइड मिल जाएगा, क्योंकि भीड़ है, मेरे को भीड़ मतलब खाली जगह करके अंदर जाना है, मैं आपके दिखाऊंगा। बस आ गया जी, देखिए जो बच्चे लोग खड़े हैं, ये जो पानी गिर रहा है ऊपर से ना, ये पानी जो जहाँ पर फूल पड़ा हुआ है यही है पंचलिंगेश्वर, वहाँ पर गड्ढा है यहीं पर है जी। वो जे थोड़ा सा सर जैसा लग रहा है, जैसे मैं पंड कर रहा हूँ, हाँ ये वाला जो हम पढ़ा है छुप गया, वहीं पर पांच लेंगे ऊपर से पानी गिरता है इनका, ठीक है। उनका दर्शन करके बम बम बोले लग देंगे तो आपका मनोकामना आप जहाँ से भी हो आपका पूर्ण हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए बाबा पंचलिंगेश्वर आपका मनोकामना बिल्कुल पूर्ण कर देंगे, वहीं से भी आप देख रहे हैं ना, जहीं से जहाँ से भी आप देख रहे हैं। अभी देखिए हम मैं लिंग दिखा रहा हूँ, पंचलिंगेश्वर का लिंग बहुत करुणा है इनका, बहुत दया है, बहुत दूर दूर से भक्त आके यहीं पर पानी डालते हैं, अभिषेक करवाते हैं और धूप देते हैं, दीप जलाते हैं, वहीं पर बैठ के भी अपना जाप पूर्ण करते हैं महिलाएँ और पुरुष, ठीक है जी, तो अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी तो सावन का महीना है, जब गर्मी का महीना आ जाएगा तो लोग आएंगे यहाँ पर रस्सी बांधेंगे, ठीक है जी, अपना मनोकामना लेके एक रस्सी बांध के धागा, समझ में आया ना, रस्सी मतलब धागा, लाल कपड़े में धागा, तो यहाँ पर छोटा सा पत्थर उठा के वो धागा में बांध देंगे, बांध के अपना जो मानसिक होगा इसमें मन्नत करके आएंगे, ठीक है। बाकी जब इनका पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण होता है, मैं पूछा हूँ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। देखिए मैं जब सुरंग के बात बोल रहा था, बाबा जी के बात बोल रहा था, अभी ये बाबा जी के पास आया हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं, ये उड़िया भाषा में बोल रहे हैं। नमस्कार आ गया बाबा, आप इनके ये परिचय रहे, परिचय रहे, मैं आपको रास्ता खोले प्रभु अच्छा प्रभु को सलाह कराई मंदिर कराइए ध्यान कले मन कले ना मोर मंदिर आवश्यक नहीं जाना गुप्त गंगा गंगा जाऊ मस्त कले जहाँ सब जान पुख तो आसू गंगा द्वारा उपमित हो मंदिर आवश्यक नहीं जरासंध राजा थे जबरे मगध एरिया जरासंध राजा पूजा करते ସେଇ ତ ଘରରେ ବଳିଆ ନହେଇଛି ସେ ଆଜି ଚାହୁଁ ପାଞ୍ଚ ଶିବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଶିବ ବସ ଆଉ ଚାରି ଶିବ ଆସିଲେ ରୁହ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇଯିବି ଧ୍ୟାନ କରିବି। ବାବାଜୀ କହି ରହେ କି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ହେ ଗଙ୍ଗା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆକରେ ୟା ପର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସର କା ଉପର ଗିର ରହା ହେ ଜରାସନ୍ଧ ନାମ କା ଯେ ରାକ୍ଷସ ଥା ଏ ଆକେ ୟହିଁ ପର एक लिंग था, बाकी चार लिंग यहाँ पर रख के यहाँ पर पूजा करके अपना साधना का काम कर रहा था, तो पीछे यहीं पर पांच लिंग स्थापित है। मैं आपके दिखा रहा हूँ ये पांच लिंग, देखिए वहाँ एक दो तीन चार पांच लिंग है, ये पत्थर से बना हुआ है, वहाँ वो उस टाइम पर मैं देखा रहा था वो मतलब पानी का अंदर था ये, और दूसरा है वो बना मतलब ये निकला हुआ है पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, वो नहीं है, वो तो दिखाने के लोगों को, ठीक है, उधर से मैं आपको जो दिखा रहा था वो सही था, ठीक है। मैं अभी वहाँ से मिल के बाबा जी से मिल के आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको गुप्त गुफा जो है वहाँ पर गुफा गुप्त गुफा मैं आपको दिखाऊँ, हाँ जी देखा का गया हूँ, ठीक है। हाँ अब देख रहे हैं गुप्त गुफा जो पहले पीछे चला गया, फिर वहाँ से आके मैं फिर जाऊँगा ऊपर जाऊँगा थोड़ा बहुत और कोई बाबा जी उनके मिलूँगा, कोई मंदिर है छोटा बहुत मंदिर है,
पंचलिंगेश्वर सपने से बोल रखे हैं कि मेरा मंदिर कोई नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही रहने दो, मेरा भक्त आएंगे मेरे मेरे पर मतलब अभिषेक करवाएंगे, बस उतने ही बोलते। नहीं तो यहाँ भी बहुत सारे मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर भी हो सकता था, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि वो मना करते हैं कि मंदिर नहीं चाहिए। ये काउंटर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद मिलता है आपको, रसीद दे के पैसा दे के आप जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रसाद यहाँ पर बेचा जाता है तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है जी, मैंने वहाँ से प्रसाद लेके आया, वहाँ पहले भी प्रसाद चढ़ाया, अभी अभिषेक करवाया, करवाने के बाद फिर अभी आ रहा हूँ और छोटा सा मंदिर वहीं पास में होगा उधर जाऊँगा, वहाँ से पर जो हिल स्टेशन है उसका भीतर भी जाऊँगा, कुछ जंगल जैसा है, पत्थर पड़ा हुआ है, झिल्ली भी है उसका अंदर, छोटा छोटा झिल्लियाँ है, मैं इसको देखाऊँगा। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, जिस तरफ से मैंने एंट्रेंस किया था ये रास्ता था जो ईस्ट साइड को, अभी देख रहा हूँ ईस्ट साइड को, मैंने वेस्ट को मुँह क्या कह रहा था, ठीक है ये ईस्ट में है। ठीक है, मैं अभी फिर वेस्ट को जाऊँगा। ये जो बाबा आ रहे हैं बिल्कुल जो पीछे है जंगल का, पीछे जिस जंगल से वो फ्रंट में बैठे हुए हैं, किसका अलाउड नहीं है, क्योंकि पीछे से निकल रहे हैं किसी का अलाउड नहीं है, लेकिन हमें छोड़ देते हैं, किसी किसी को छोड़ते हैं, आज का दिन में थोड़ा बहुत छोड़ते हैं। ठीक है, ये बाबा कह रहे हैं, देखिए ये बाबा कह रहे हैं कि भगवान के भला करें, हमको आदेश हुआ है, हम यहाँ पर बैठे तो सबको इसको अंदर तो जो हमको अच्छा लगते हैं छोड़ते हैं। ठीक है, आज के दिन में थोड़ा बहुत छोड़ते हैं, तेणु जी भी आसुच्छे पंचतत्व पंचलिंग जेहेतु अच्छा प्रभु श्रीराम द्वारा स्थापन होती है किए कहते किए पांडव जहाँ भी हो पौराणिक तथ्य जहाँ भी हो जे भक्त मैंने आसने मनस्कामना निश्चय पूर्ण होती बाबा को हजार हजार में सारा भारत बाबा का कहना है, मतलब है जो भक्त भी आते हैं इनका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पंच लिंग है ये सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर हम राम मंदिर छोटा सा राम जी का भोजन भी यहाँ पर होता है, वहाँ पर राम मंदिर है, इनका पूजक बैठे हैं, सेक्रेटरी जैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे यही गेट पर हैं, हम जाएंगे अंदर, एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग यहाँ पर अभी तक बारिश का मौसम है, सावन में इतना भीड़, तो जलाभिषेक के लिए भीड़ होता है, लेकिन जलाभिषेक जो जाने के बाद तो 5 सोमवार जाने के बाद इतना यहाँ भीड़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ बरसात का टाइम है तो इतना लोग आते नहीं है, इसी मौसम में तो बरसात में जब जलाभिषेक होता है तो आते हैं, भोजन कीर्तन करते हैं, सबका आशीर्वाद देते हैं, हाँ तो लोगों भी कुछ प्रसाद चढ़ा के इधर जाते हैं मंदिर में, बाद में रखूँगा पीछे, ये भी राम भगवान राम का नाम ले रहे हैं इसका पीछे में। अब देखिए और भी एक बाबा रहते हैं पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बाबा जो यहाँ पर रहते हैं, मतलब ये साधु है, परिवार छोड़ रखे हैं, बस यहीं पर रहते हैं, अपना जीवन यहीं पर इधर बिताते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, देखिए आपका भगवान राम भी यहाँ पर विराजमान है, छोटा सा मंदिर है, मैंने बताया था आपको कोई बड़ा मंदिर नहीं, मैंने जब बताया था थोड़ा सा झीली है, देखिए ये झीली है, मैं अंदर आ चुका हूँ, अभी इसका पीछे जो वेस्ट की तरफ जो रास्ता है मैं आ चुका हूँ, थोड़ा तो मतलब पेबल्स रास्ता था, मैं आपको दे ही रखा है, बहुत मेहनत होता है आने के लिए, तो उसी रास्ते से मैं आके, और एक छोटा सा मंदिर है, बड़ाम्बा मंदिर है टेम्पल, बड़ाम्बा स्कूल था, बड़ाम्बा टेम्पल है, कोई पास में जो राजा थे नीलगिरी राजा थे तो वो शिकार में आते थे, तो इनका परमिशन लेते थे, माँ बड़ाम्बा का परमिशन लेते थे, जब इनका परमिशन नहीं लेंगे तो तब समय वो शिकार नहीं कर पाते, ये इनका पूजा जारी है, ये पूजा करते हैं, अंदर जाने नहीं अलाउड नहीं है किसी, क्या बोलते हैं सुनिए, ये कहते हैं कि नीलगिरी में जो राजा थे वो शिकार करने आते थे जंगल में, तो वो शिकार नहीं कर पाते थे, वापस चला जाते थे,
ये भगवान, ये जो माँ ब्रह्मा है, उनका सपना देश हुआ कि मुझे पूजा करने बाद में आपको शिकार करने छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं, तब से वो पूजा आप कर रहे। ये देखिए जो छोटे छोटे झिल्ली है, मैं अभी करीब से करीब 5000 फीट का ऊपर हूँ, ठीक है जी, हाँ जी 5000 फीट का ऊपर हूँ, लेकिन इसका ऊपर झिल्ली है, ठीक है। वो झिल्ली देख रहे हैं, वो झिल्ली का पानी कभी भी नहीं सूखता है, गर्मी में भी नहीं सूखता है, पानी हमेशा रहता है। हम वो दर्शन कर फिर वापस आ रहा हूँ। ये झिल्ली जो राइट हैंड साइड में, मैं वापस आ रहा हूँ, गया था अभी वापस आ रहा हूँ। ये झील देख रहे हैं, वो हिल भी देखिए, देख रहे हैं ना, हाँ ये मेरा लड़का है, ठीक है, बड़ा लड़का है अभी वो, ठीक है। चलते हैं, अपना अपना वो तस्वीर खिंचवा ली, सॉरी खिंचवा लिया, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी पेड़ पौधे जंगल है बिल्कुल, हम मैंने बोला था आपको 5000 से 6000 ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। यहाँ से भी आपको, क्योंकि यहाँ से समुद्र सिर्फ आपको 15 किलोमीटर होगा, यहाँ से ये हिल स्टेशन से बे बंगाल 15 किलोमीटर होगा। अगर इस हिल स्टेशन का बिल्कुल चोटी पे आप चले जाएंगे तो समुद्र का नज़ारा भी आ सकता है। हम इतना ऊपर में हम अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, जैसे हम आए थे वैसे ही जा रहे हैं। जाने के बाद, जाते वक्त मैंने आपको एक बढ़िया सा सुंदर दिखाऊंगा, आप वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आपको दुकान दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या मिलता है। जो बाहर से पिलग्रिम आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उनके लिए तो कुछ लेना चाहिए। यहाँ पर होटल तो है और रेस्टोरेंट है, लॉज है, यहाँ का जो फीस है वो भी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर जगह जगह पर बाबा जी बैठे रहते हैं, ठीक है जी। बस मैंने बोल रहा था कि बरसात का टाइम पर इतना बाबा नहीं आते हैं, क्योंकि वो सावन का महीना है, ऊपर किसी का छत तो नहीं है, मतलब जंगल जंगल है, कब रहेंगे कहाँ। जो ऊपर वहाँ पर भगवान थे, वो तो था मंदिर था, बिल्डिंग था, वो रहते थे, ठीक है, अब कहाँ रहेंगे। लेकिन मैं दुकान दिखा रहा हूँ, अभी दोनों साइड में पत्थर का सामान, पत्थर का प्लेट मिल जाएगा, भगवान का मूर्ति मिल जाएगा, हर एक सामान मिल जाएगा, जिसके लेने का लगेगा, शंख मिल जाएगा, शंख का सामान, पत्थर का, भगवान का मूर्ति मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, और मिठाई मिल जाएंगे, मिठाई धागे मतलब बहुत बढ़िया बड़ा सामान, फुलदानी से लेकर जैसे हरिद्वार में मिलता है, और बहुत बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान में जैसे जो जो सामान मिलता है, खिलौना से लेकर पत्थर का बासन से लेकर फल सब्जियाँ और सब कुछ यहाँ मिलता है। देखिए मैं दुकान जाते वक्त मैं दुकान आपको नहीं दिखा था, वेबिटली नहीं दिखा रहा, बस थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ कि बारिश ऊपर से गिरने वाला है। हम लोग कुछ जाने का मूड में है, हम ज़्यादातर नहीं ठहरेंगे। तो आप देखिए ये दोनों साइड में आप देख रहे हैं, फोटो भी मिल जाएगा, भगवान का तस्वीर मिल जाएगा, गुड़िया भी मिल जाएंगे आप लोगों का, लकड़ी का गुड़िया और प्लास्टिक का, फूल का, सब चीज़।